नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एम आई गेमिंग में। और जो कोई दोस्त मेरे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को प्रेस कर देना बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो यार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से आ गए हैं एक और नए गेम प्ले के साथ, जिसमें कि बहुत सही गेम प्ले हुआ था। इसमें हमने सबको मतलब पोचिंगी का चैलेंज दे दिया था और बहुत सारे बंदे पोचिंगी में आ गए थे और बहुत सही गेम प्ले रहा। तो यार वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दो, और 200 सब्सक्राइबर चाहिए खाली बंदे के लिए, तो वो भी यार फटाफट से करवा दो। तेरी बाप की है क्या पोचिंग की? छोड़ो मेरी पोचिंग की। तेरे बाप का है क्या? चलो पोचिंग के। तेरा बाप का है क्या? आज आप पोचिंग किया था तो मैं तो पोचिंग किया था। आजा। तो यार पोचिंग की उतरने के बाद तुम सबको पता होगा ये है मेरा फेवरेट एरिया, यहीं मैं हमेशा उतरता हूँ पोचिंग की में। तो यार मुझे लगा कि मेरे घर में बंदूक होगी क्योंकि हमेशा नॉर्मली यहाँ पे रहती है, लेकिन आज भाई यहाँ भी बंदूक नहीं थी। तो और बंदे भी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे उतरे होंगे, क्योंकि यार चैलेंज सुन के ना भाई, चाहे कोई पोचिंग की जाता हो ना जाता हो, लेकिन आज सब ज़रूर आएंगे। और थोड़ी देर में यार फायरिंग की इतनी सही आवाज़ आने लग गई थी ना पोचिंग की में, मतलब मैं क्या बताऊँ। उसके बाद यार गन तो स्टार्टिंग में मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, और नाइट बोल रहा था कि मेरे पास मतलब नेक्स्ट हाउस में बंदे हैं। तो भाई अभी तो हम पुश कर नहीं सकते थे क्योंकि सीधी बात है अपने पे गन नहीं है, फालतू में भाई पुश करेंगे मिल जाएंगे तो सही भी नहीं है। और मतलब दोस्तों यार थोड़ा सा और सपोर्ट करो, 200 सब्सक्राइबर और नीड है, और फटाफट मतलब करवा दो यार 200 सब्सक्राइबर। गेमप्ले अच्छा लगे तो यार प्लीज़ यार शेयर करना, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो यार यहाँ पे क्या होता, नाइट ने एक नॉक दे दिया यहाँ पे बहुत सही तरीके से, और मेरे पे अभी तक स्कोप नहीं था तो मैं फ़ाइट नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब है। तो यार सामने वाले घर पे तुम देख रहे होगे, वहाँ पे एक बंदा था, अगर तुम्हें दिखा होगा तो वो देखो सामने। तो यार मैं यहाँ पे स्कारल उठाता हूँ, वो बंदा शॉटगन मार रहा है यार, तो उसके उसको एक सलाम तो बनता है। तो एक शॉट खाया उसके बाद वो वहाँ पर दिखा नहीं वापस। तो यार नाइट ने जहाँ पर नॉक किया था तो वहाँ पर एक और बॉस आया था, मैं भी लेने की कोशिश करता लेकिन वो एनिमीज खा गए। तो अब यार यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि चारों तरफ बंदे थे तो हमने सोचा कि भाई पहले वेट करते हैं, फिर दोबारा किसी को नॉक करेंगे और फिर एक तरफ पुश करेंगे। तो यार वही हुआ यहाँ पे, हमने भाई साहब मतलब कतई मैं एक बार तो एनिमीज बता दिए नाइट को कि इधर भी हैं, और फिर हमने थोड़ा सा मतलब कैंपिंग टाइप की कह सकते हो, हल्का सा कैंपिंग हल्का सा डैमेज ये सब चला, क्योंकि भाई मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बंदे आए हैं, बहुत तगड़ी मतलब यहाँ पे बसड़ चल रही है बहुत सही। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे हम आराम से वेट करते हैं, नाइट ने कहा सामने दोनों तरफ बंदे हैं, और मुझे तो इसमें भी बंदा दिखा था तो मुझे नहीं पता था कि वो है कहाँ। और बेसिकली बंदे मुझे दिखे वो थे पीछे वाले घर पे, यहाँ पे बेसिकली कैम करते हैं तो हम मतलब ज़्यादा ही बंदे आ जाते हैं तो हम छत में चले जाते हैं। तो यार उस बंदे ने भी पता नहीं वो टेक्निक कहाँ से मतलब अपनाई, और कतई मतलब तुम देखना यार वो ज़्यादा ही तगड़ा पिल गया भाई छत वाला, तो मतलब बहुत गंदा सही पिला वो। और मैं यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई अगर हल्का हल्का डैमेज देते रहे तो वेस्ट और ये सब कुछ मतलब इनका डैमेज हो जाएगा। तो यार यहाँ पे आप देखो ऊपर वाला ज़्यादा ही होशियार बन रहा था यार, वो फिर दोबारा से नॉक हुआ है जिसको नाइट ने नॉक किया था। तो अब हम यहाँ पे यार पुश कर रहे होते हैं कतई मतलब तगड़ा वाला, और वो बंदा मेरे को लगता है कि वो नीचे नहीं आ पाएगा, लेकिन वो नीचे आ जाता है क्योंकि मैं भूल गया था कि एक तरफ से शायद इसमें नीचे को गिरने वाला है, तो वो बच तो जाता है इतने देर में भाई उसका गेट तोड़ देता हूँ, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तो यार नाइट कतई मतलब यहाँ पे मतलब टेक्निक वेक्निक लगा रहा था, इतने में भाई मैंने एक अंदर बंदा देखा और मैं तो सीधे भाई पुश कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हम मार देंगे। तो ये तीसरी बार मर रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा था भाई। अब यहाँ पे यार मारने के बाद ना भाई मतलब कतई मतलब ऐसा लग गया था कि अब तो पोचिंग की हमने ही ठिलानी है, समझ लो ठिलाने का मतलब समझ, मतलब कतई गेर देंगे पोचिंग की में लासे पेटी पेटी बिछा देंगे। तो यार यहाँ पे अब बैरल भी मिल गई थी, M4 मिल गई थी, तो अब कोई भी कमी नहीं थी यहाँ पे गन की। तो नाइट ने भैया ने कहा हमसे कि चलो भैया पुश करते हैं, तो हमने कहा चलो भैया। और यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से हमको देखो सामने बंदा दिख गया अपने स्प्रे के, मतलब यहाँ पे हमने एक और बंदा मार दिया, और जो इसको मार रहे थे अब हम मारने चले गए उन बंदों को। तो यार यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, मतलब बहुत ही सही चीज़ हो गई, बहुत ही सही, मतलब नाइट कतई टेक्निक यूज़ करना चाहता था, अब वो कह रहा है कि मैं इसी घर से दूसरे घर में जाऊँगा ताकि मरूँ ना। तो
हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए भाई फटाफट से। और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुई क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बंदे थे हमारे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, और पीछे की तरफ भी फायरिंग आने लग गई थी। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम यार पीछे की तरफ तो हम खाली करके आ गए थे, लेकिन फिर दोबारा से वहाँ पे फायरिंग कैसे आने लग गई। तो वही बात मेरे समझ में नहीं आई क्योंकि यहाँ पे इस तरफ भी बंदे थे, अपने राइट में भी एक बंदा आ चुका था और पीछे भी एक बंदा आ चुका था। तो यार पोचिंग की में कुछ ज़्यादा ही बंदे मतलब आ गए थे इतनी देर में, मतलब 56 हो गए यहाँ पे इतनी जल्दी, और ये फर्स्ट जोन था। तो यार मेरे समझ नहीं आई कतई, मतलब नाइट के चैलेंज का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ गया है इन लोगों पे। तो अब यहाँ पे मुझे आवाज़ आती है कि भाई यहाँ सामने बंदा है, और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि भाई टीपीपी गेम, अब तुम इसको कैंपिंग कहो या टीपीपी लेना कहो, क्योंकि भाई इसका टीपीपी नाम है तो भाई टीपीपी तो लेना ही पड़ेगा भाई, देखो सीधी बात है। तो इसीलिए हम ले रहे हैं टीपीपी ताकि सामने वाला बंदा मतलब कतई कुछ ना कर पाए। और यहाँ पर M4 से मारता तो आई थिंक वो मर भी जाता, लेकिन यहाँ पे बैरल बहुत ज़्यादा हिल गई। और यहाँ पे उस बंदे ने गलती ये करी कि वो मौली कर रहा था फिर, और उसकी मौली आ भी गई भाई, मतलब मौली नहीं नेड़ आ गया उसका, ठीक है नेड़ किसी और का आया पता नहीं मुझे, उसने मौली कर रहा था वो तो। और यहाँ पे मैंने पीछे एक बॉट भागता हुआ देखा, तो मैंने बॉट पे फोकस नहीं किया फिलहाल। अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे कोई यार ऑटो गन चला रहा था, मतलब ओरिजिनल बंदा था ठीक है, मतलब वो UMP चला रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई इस पे तो पुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इस ये अगर पीछे से आ गया तो हमें मार देगा। तो यहाँ पे मुझे इसकी गलती ये थी, हेलमेट दिख गया था मुझे ठीक है। ये भैया अजय भैया इसका एक बंदा नाइट मार देता है, सही रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ यार, इसके तुरंत दूसरे बंदे ने मेरे पे कर दिया पुश ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको उठा लूँगा, मतलब यहाँ पे वेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैलरी में जाने की वजह से भाई मेरे पे ये फायर आराम से ले सकता था, तो मैं पीछे चला गया और नाइट को मैंने उस तरफ से बुला लिया, क्योंकि भाई नाइट पहले से उसकी तरफ है, नाइट उसको आराम से मार सकता है, नाइट की तरफ तो उसने पीट कर रखी होगी, तो नाइट ने उसको खिला दिया आराम से। तो अब इसको भी मारने के बाद भाई नाइट के पास कुछ बंदे होते तो हम सोचते हैं कि भाई उनको भी मारते हैं चलते हैं, क्योंकि नाइट ने वहाँ भी नॉक करे हुए थे कुछ बंदे, लेकिन हमको वो बंदे तो नहीं मिले। तो हम फिर लूट कर वूट करने लग गए, और लूट वूट करने के बाद फिर यहाँ पे यार कतई मतलब ड्रॉप गिरता है, और आप देखिए यार मतलब क्या तगड़ा ही चीज़ होती है यहाँ पे। तो यार अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुझे एक बॉट दिख जाता है, तो मैं उस बॉट को मारने के चक्कर में मतलब आगे जाता हूँ आराम से, बॉट है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आराम से सोचता था आगे आगे जाकर उसको मारूंगा। बट यार चोरी हो जाता है, यहाँ पे एक गाड़ी आई उसको मारने के लिए, और मैं सोचता हूँ यहाँ पे गाड़ी क्यों आई। तो नाइट थोड़ी देर बाद बताता है कि भाई यहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ है और वो गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। अब तो वो गाड़ी खाली उसके वहाँ से गुजर जाती क्योंकि वो एक अकेला बंदा था, अगर वो दो होते तो वहाँ पे वो रोक के वो नाइट को मतलब थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश तो करते। तो यार अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा पीछे आया कि मैं मारूंगा उनको, तो यार यहाँ पे एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लग जाती, भाई मैं इसको मार रहा हूँ यहाँ पे दूसरी गाड़ी पहले ही आ गई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और ये कूद जाता है भाई जल्दी से, ये कूद जाता है। और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मतलब कतई ओपी और नाइट ने यहाँ पे दोनों के दोनों खिला दिए। और मैं सोचता हूँ कि अभी भी एक बंदा है, लेकिन वहाँ पे मतलब नाइट ने बंदे मार दिए, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी किल नहीं आया है, कतई ओपी। और इनकी भसड़ में हमारा फ़ायदा हो गया, हमको लूट मिल गई, हमारा सब कुछ हो गया। तो यार पूरा का पूरा पोचिंग ही खाली कर दिया है यहाँ पे यार, पोचिंग की में नाइट ने 7 किल लिए, मेरे 5 किल लिए। तो यार और भी कितनी पेटियाँ यहाँ पे पड़ी हैं और कितने बंदे यहाँ मरे हैं, तो बहुत सही भसड़ हुई थी। तो यार अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लूट वूट करने के बाद निकल जाते हैं यहाँ से फटाफट से। तो यार हम बंदे ढूंढते ढूंढते इधर को आ गए, तो यहाँ पे गिरा था ड्रॉप। तो नाइट ने कहा कि भाई ड्रॉप से ऊपर रोकता हूँ और करेंगे ड्रॉप कैंपिंग, मतलब अब हम करने वाले थे कैंपिंग, और कैंपिंग कतई सक्सेसफुल भी रही भाई, वो लोग हमको सही मतलब सही कैंपर कैंपर कह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमने कैंपिंग करी या क्या करी, लेकिन हमारे पास तो किला है भाई, हमने तो ये पता है। तो यहाँ पे यार ड्रॉप गिर रहा था, तो मैंने सोचा था कि भाई जब धुआं बंद होगा मैं तो भाई लूटूंगा तब, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी तुरंत आ गई, और इनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी कि नाइट ने इनका तुरंत एक मार भी दिया, ये वाला कि मेरे पास आ जाता, लेकिन मैं नहीं देना चाहता था नाइट को, इसलिए मैं ऑल डेड। तो हम फिर दोबारा कैंपिंग करने लगे, पर यहाँ पे कोई नहीं आया, और हम ड्रॉप व्रॉप लूट के यहाँ से निकल जाते हैं।
तो यार यहाँ पे क्या होता है कि नाइट कुछ ज़्यादा ही पास चला जाता है बंदों के, मतलब हम बहुत देर घूमने के बाद बंदे हमको मिलते हैं तो नाइट कुछ ज़्यादा ही फ्लैंक कर जाता है और बंदे उसके पास आने वाले होते हैं। तो यार यहाँ पे क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि उसको पहले एनिमीज अहेड बता दूँ क्योंकि मुझे दिख रहे हैं वो साफ साफ, और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं यार गाड़ी लेके क्यों ना पुश कर दूँ एक तरफ से राइट साइड से, क्योंकि अगर नाइट वहाँ पे नॉक हो गया तो वो पूरा का पूरा किल हो जाएगा और मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता है। अगर M24 का भी शॉट दूंगा तो भाई एम बॉट या मैजिक बुलेट तो है नहीं मेरे पे जो कि वो डायरेक्ट मैं उसको मार दूंगा। तो इससे बढ़िया मैं सोचता हूँ कि भाई गाड़ी लेके कार लेके सीधे के सीधे मैं राइट से पुश करता हूँ, नाइट लेफ्ट से आएगा तो दोनों बंदे हम खिला देंगे आराम से। तो यार यहाँ पे क्या होता है कि मैं पुश कर ही रहा होता हूँ और मतलब नाइट ने भी वहाँ पे एक नॉक कर दिया होता है उसका एक बंदा, तो मतलब बहुत सही रहता है क्योंकि एक बंदा अगर मर जाए ना तो भाई दूसरा हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलती करता ही है और मतलब मरेगा ही। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं मतलब कतई चलती कार से उतर गया कि नाइट ने एक नॉक कर दिया, दूसरा मैं मार दूंगा यहाँ से। लेकिन भाई दिक्कत क्या होती है ना, पता गिली सूट में अगर कोई मतलब सांप बन जाए ना तो भाई दिखता नहीं, अब मुझे वो नहीं दिख रहा लेकिन उसे मैं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं खड़ा हूँ और लिटरली तुम देख सकते हो मुझे वो नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे ग्राफिक मुझे नहीं पता कैसे हैं। ठीक है, आईपैड वाईपैड वालों को दिख जाते हैं, मुझे नहीं दिखते, लेकिन मैंने यहाँ पे देख लिया था हल्का तो रैंडम फायर कर दिया और वो मर गया, हेडशॉट लगा भाई लड़के को। तो यार यहाँ पे हम हील करते हैं, आप तुम देख सकते हो मतलब लास्ट बंदा बचा है और ये लास्ट बंदा हमको कतई मिलता ही नहीं है, इसको फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हें देखना ही चाहिए भाई। तो यार फाइनली मतलब लास्ट बंदा मिल जाता है बहुत इंतज़ार के बाद और हम उसको देख लेते हैं। तो यार अब नाइट के एंगल से वो दिख रहा था, नाइट को वो शॉट्स दे रहा था लेकिन मुझे वो नहीं दिख रहा था, तो मैं सोचता हूँ ओम है मेरे पास तो यार एक फटका दे देंगे उसका अंग अंग भड़का देंगे। यार उसका एक ही मतलब हल्का सा दिख जाता है और वो हेड होता है, गलती से वो हेड होता है। ठीक है, वो हैकर वैकर समझेगा तो वो अलग बात है लेकिन हमको नहीं पता। ठीक है, और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट्री अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ यार दोस्तों यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, 200 सब्सक्राइबर नीड हैं तो यार फटाफट से यार 1K करवा दो यार दोस्तों, प्लीज़ यार प्लीज़ आपके सपोर्ट से इतना है, थोड़ा और सपोर्ट कर दो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम डाल देंगे कभी ना कभी, तो